सुनो सुनो, देखो देखो, मेरे घर से अगर आप राइट लेंगे तो आता है चिंचोली फाटक, मेरे घर से अगर आप राइट लेंगे तो आता है चिंचोली फाटक। आइए देखते हैं छोटा सा नाटक। माँ, मेरी पढ़ाई हो गई है, मैं खेलने चला जाऊं या फोन इस्तेमाल कर लूं? पहले जाओ एक घंटा लाइब्रेरी पढ़ के रहो, उसके बाद मिलेगा मोबाइल। यार मेरी माँ भी ना कितनी बोरिंग है, जब जाओ बोलती है लाइब्रेरी में पढ़ के आओ। आज के डिजिटल जमाने में लाइब्रेरी में कोई पढ़ता है क्या यार? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप ट्रेडिशनल लाइब्रेरी प्रिपेयर करते हो या फिर डिजिटल या फिर दोनों? छोड़ो, मैं भी कहा आपको पका रहा हूँ, जाने दो, टीवी देख लेता हूँ। नरेंद्र मोदी ने शुरू किया स्वच्छता अभियान, असली मसाले को। ये घर में बैठे बैठे टीवी देखता है और एक दिन में 5 समोसे 10 वड़ा पाव एक साथ खा जाता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला। क्या वो
एनी वे मैं ट्रेडिशनल स्टूडेंट हूँ, ऐसे गूगल पर सर्च मार के नहीं देती। जाने तो चल छोड़, मेरी बहुत पढ़ाई बाकी है। देखी क्या एक बार गूगल पर सर्च कर। अरे यार इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं चाहिए मुझे ये डिजिटल स्टडी। जब समझ सर तो मुझे क्यों बनाया, क्यों निर्माण किया मुझे? आपको पता है कि आज हमारा देश डिजिटल हो रहा है, इतना इसमें हमको मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज सरकार ने डिजिटल चालू किया, सब कुछ चालू किया, उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू किया। डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट भेज जाती है और इंटरनेट पर वीडियो फोटोज सब कुछ दिखाती है। और आप तो मेरी जरूरत नहीं। एग्जाम जब देखो सर पे आके खड़ी हो जाती है, ये इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा यार इसको, मेरे को तो जरा पसंद नहीं। उससे अच्छा डिजिटल स्टडीज है, पढ़ाई का पढ़ाई हो जाता है और उनसे बातें भी हो जाती है। हटाओ ये किताब। मार डाला, मार डाला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने क्या सोचा और तुम क्या निकले? अरे इससे अच्छे तो वो मेरे पुराने दोस्त थे। मेरे में से जब एक बुक फट जाती थी तो उसे संभाल कर रखा करते थे, उसे जोड़ने की हर एक कोशिश करते थे। और तुम वो मेरे लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय किया करते थे ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। और जब वो मुझे पा जाते थे तो इतने खुश होते थे कि मानो जिंदगी की उनकी सारी खुशियां मिल गई। और एक आप हैं जिनको मैं आसानी से प्राप्त हो जाती हूँ, तो आपको मेरी वैल्यू ही नहीं पता। अरे तुम शायद भूल रहे हो कि ऐसी कई पुस्तकें हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, उसे मैं संभाल कर रखती हूँ। आई सॉल्व योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। दोस्तों अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझे पढ़ना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, तो मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली है। ये एक्सेप्ट करना और ना करना ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम। उठो दोस्त उठो, मैंने तो पहले ही कहा था हम सब एक ही हैं, तुम दोनों को भी मिलकर रहना चाहिए इस जमन पर। ठीक है, बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, अभी भी समय है हमारे पास। दोस्तों आप हमें थोड़ा सा महत्व देंगे तो हम आपको कामयाबी जरूर देंगे। आओ हमें अपनाओ और आपकी जिंदगी सफल बनाओ। राहुल पानी चला जाएगा। क्या सपना था यार, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि माँ कहती है कि पढ़ाई कर बेटा लाइब्रेरी जा, लेकिन लाइब्रेरी इतना कुछ देती है यार। मैं सोच रहा हूँ दिन में से 24 घंटे में एक घंटा लाइब्रेरी को दे दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। डिजिटल चाहिए तब डिजिटल, ट्रेडिशनल चाहिए तब ट्रेडिशनल, क्यों ना ऐसा हम सोच ले और आज से हम प्रतिज्ञा ले कि क्यों ना एक घंटा हम लाइब्रेरी को दे, थोड़ा बहुत कुछ अपने जो अपने को जो अच्छा लगता है उससे शुरुआत करेंगे। आगे चलते चलते तो कुछ ना कुछ तो बने जाएंगे, कुछ तकलीफ थोड़ी ना देती है हमें लाइब्रेरी। कुछ पढ़ने में तो पढ़ लो कोई मिल भी जाए शायद उधर। नाश्ता रेडी है? नहीं माँ मुझे लाइब्रेरी जाना है।